हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत समय बाद मैं फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आप किस तरीके से कलम से यानी कटिंग करके ही आप अपने गमलों में नए पौधे उगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है, अभी जो सीज़न है वो सबसे बेस्ट सीज़न है। इस सीज़न में कुछ जो पौधे होते हैं वो बहुत ही जल्दी उग जाते हैं, तो आपको बेवजह का फिर से नर्सरी जाके उस पौधों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए चलते देखते हैं वो कौन से पौधे हैं और उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे मैंने जो गमले हैं उसकी जो पुरानी मिट्टी है उसकी प्रूनिंग कर रही हूँ, यानी हल्की सी आपको खुदाई सी करनी है। ये पुराने गमले हैं मेरे, जिसमें मैंने जो सीजनल प्लांट्स लगाए हुए थे, जैसे पिटूनिया हो गया या जो पहले मैंने लगाए हुए थे और वो अब मर चुके हैं, तो ये वाली जो मिट्टी है वो पुरानी है, तो इसकी प्रूनिंग थोड़ी ज़रूरी है। इसके बाद ये हम सूखी खाद डाल रहे हैं। सूखी खाद डालने से क्या होता है, जो पुरानी मिट्टी की अगर थोड़ी सी अगर उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है तो खाद आप डाल दीजिए, उससे क्या होगी जो मिट्टी है उसमें फिर से एक आपकी न्यू एनर्जी आ जाएगी नए प्लांट के लिए। ये देखिए, ये मेरे पास सेवंती के पौधे हैं। सेवंती के पौधों की इस तरीके से आपको कलम काटनी है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से आपको दिख रही होगी, ये इस तरीके से आप कलम काट लीजिए, क्योंकि हमें सेवंती की ही कलम लगानी है और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है आपको कलम लगाने का। और आप एक ही दो ही प्लांट से जो आप नर्सरी से लाए होंगे उससे आप अपने घरों में ढेर सारी सेवंतियाँ उगा सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने काटा हुआ है, आप वीडियो में अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। हल्का सा टिल्ट करके, यानी हल्का तिरछा काटना है आपको, सीधा नहीं काटना, एकदम हल्का तिरछा। ये पानी है, नॉर्मल पानी है। कलर उसका गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका जो बकेट है छोटा वो गंदा है। इस पानी में हमने डाला है मल्टी विटामिन डाल के इस पानी में इन सारे जो हमने अभी पौधे काटे हैं उसकी कलम को ऐसे डुबो के कम से कम आप 1 से 2 घंटे या 3 घंटे आप इसे इस तरीके से रख दीजिए, ताकि इसकी जो नीचे की जो एज है वो पूरे मल्टी विटामिन से भीग जाए। और सिंपली जो प्रूनिंग करके हमने मिट्टी रखी हुई थी उसमें आप सिंपल इस तरीके से इंसर्ट करते जाए। देख रहे हैं, सिंपल ऊपर की बस मैंने पत्तियां काट दी थी ताकि हमें इसे नीचे डीप करने में, इसको घुसाने में हमें तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने ऊपर की थोड़ी नीचे की जो पत्तियां हैं वो निकाल दी। एक ही गमले में जितनी भी आ सके अभी आप लगाइए, जैसे ही इसमें जड़ पकड़ लेगा ये बड़ा हो जाएगा, फिर हम इसको दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। पानी की आप देख सकते हैं क्वांटिटी, हल्का हल्का सा पानी डाला है, बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं डाला है, एकदम हल्का पानी आप इसमें डालिए। और इस तरीके से आप सिर्फ कलम से ही आप इतने अच्छे से आप लगा सकते हैं। दूसरे गमले में भी हम फिर से लगा रहे हैं, सेवंती ही लगा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से मैं बता रही थी कि पत्तियों को आप तोड़ दीजिए, जितना एरिया आपको मिट्टी के नीचे लगाना है उतने पत्तियों को हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, इतना इजी है। एक बार आप सेवंती नर्सरी से खरीदिए, उसके बाद तो आप सेवंती के पौधों की आप लाइन लगा सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। ये 100% इफ़ेक्टिव है। ये मौसम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो मौसम है, रेनी सीज़न ख़त्म होते ही आपको ये करना है। बहुत रेनी सीज़न में नहीं करना है, ये तो पौधे में बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ये मर सकते हैं। तो रेनी सीज़न रहे, माने आर्द्रता रहे अपने मौसम में, लेकिन जो सीज़न है वो बहुत रेनी ना हो। ये दूसरा प्लांट देखिए, ये है डहलिया। डहलिया के प्लांट को भी बस उसी ही मेथड से आपको इसको पहले कटिंग कर लेनी है। मैंने इस कटिंग से 1 या 2 बस मैं प्लांट लेके आई थी नर्सरी से, और इस प्रोसेस से कम मेरे पास 8 से 10 से भी ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के मेरे पास ये हो गई है, डहलिया हो गई है। और हर सीज़न हम इसी तरीके से कलम काट के बनाते हैं, और इस सीज़न तो अब मेरे पास मोर देन 20-30 हो जाएंगे डहलिया के प्लांट्स। तो आप भी ये कर सकते हैं। देखिए, एक कलम से आप कितनी सारी, एक पौधे से आप कितनी सारी कलमें निकाल के आप कितने सारे पौधे बना सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि इसको हल्का टिल्ट काटना है, माने हल्का तिरछा काटना है, और हल्का तिरछा काटने के बाद आपको इसकी पत्तियां पहले रिमूव कर देनी है। वीडियो में मैं आपको इसलिए अच्छे से दिखा रही हूँ कि काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का टिल्ट ही काटिए, हल्का तिरछा काटना है, और उसके बाद सारी पत्तियां निकाल के आप इसे मल्टीविटामिन पानी में आप इसे डुबो दीजिए। अच्छा, आप कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मल्टीविटामिन जो पानी है वो ज़रूरी है क्या? तो इससे क्या होता है, आपकी जो इसकी जो जड़ें हैं ना, इसकी जड़ें अच्छी फ्रेश हो जाएंगी, इनकी जड़ों में एक ताजगी आ जाएगी मल्टीविटामिन के वजह से, इनकी जड़ें जल्दी से मिट्टी को पकड़ लेगी। तो ये ज़रूरी है मल्टीविटामिन डालना। मल्टीविटामिन का मैं आपको अल्टरनेट ये बता सकती हूँ कि अगर आपके पास मल्टीविटामिन नहीं है तो
तो अगर जैसे आप जो भी फ्रूट्स खाते हैं उसके पील को, उसके छिलके को आप पानी में भिगो कर रख दीजिए, उस पानी में भी आप डुबो कर अपनी ये कलमों को आप रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे इस तरीके से प्लांटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक गमले में 4 से 5 मैंने लगा दिया है, क्योंकि अभी छोटे प्लांट हैं, अभी चल जाएंगे। ये तीसरा प्लांट है, इसको बोलते हैं डेंठास, कुछ लोग डेंठास या पेंठास भी बोलते हैं, डेंठास बोला जाता है हमारे यहाँ। ये 12 महीना फूल देते हैं, 12 महीना। मुझे जब मैं शुरू में ये लेके आई तो मुझे लगा था ये सीजनल प्लांट है, सिर्फ ठंडियों में ही खिलेंगे, लेकिन ये 12 महीना फूल दिए। वाइट कलर का है, डार्क पिंक है और रेड, जैसा आप देख रहे होंगे वीडियो में, इतने प्यारे दिखते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसकी कलमें निकाल ली हैं, ये बहुत सुंदर है, 12 महीने खिलने वाले हैं। तो इसको तो बनता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हर एक के टेरेस में, हर एक के बैल्कनीज में, हर एक के घरों में ये रहे, क्योंकि ये इतने प्यारे फूल हैं, छोटे छोटे से इसके फूल खिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप इसे अपने पॉट में सजा के रखें या कभी बुके बनाएं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसे भी बिल्कुल वही सेम तरीके से हमें पहले मल्टीविटामिन के पानी में मैंने इसे डाल दिया, थोड़ी देर हम इसे सोख करके रखेंगे, टाइम हो तो ज़्यादा देर सोख कर ले, नहीं तो 1-2 घंटा भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट होता है। इससे करने से इनकी जो नीचे की जो स्टेम है वो थोड़ी सी हल्की सी नरम भी हो जाएगी और जब आप इसे मिट्टी में प्लांट करेंगे तो ये बहुत जल्दी से मिट्टी को पकड़ लेगी। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग प्लांट लगाए हुए हैं, जैसे एक में मैंने रेड लगा दिया है, पिंक लगा दिया और वाइट, इस तरीके से अल्टरनेटिव मैंने कलर के लगाए हैं, क्योंकि जब ये बड़े हों और जब ये खिलें तो एक ही गमले में 3 कलर दिखाई देंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरीके से आप भी प्लांटिंग कर सकते हैं। पहला प्लांट तो आपको नर्सरी से लाना होगा, लेकिन उसके बाद आप इसे इस तरीके से कलम काट के आराम से प्लांटिंग करके आप 1 से 4, 4 से 8 और जितना चाहें आप उतना आप प्लांटिंग इसको कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही चीप पड़ता है इस तरीके से अपने टेरेस गार्डन को आप बढ़ाना। तो आप भी इसी तरीके से प्लांटिंग करिए। देखिए मैंने 70 डहेलिया कितने सारे मैंने लगा दिए हैं। शुरू में हल्के से मुरझाए हुए लगेंगे क्योंकि आज ही प्लांटिंग हुआ है इसका। शुरू में जब आप प्लांट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे आप छांव में ही रहें, यानी कि शैडो में ही रखें, डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखें और ना ही डायरेक्ट पानी पड़े इसमें। अगर रेनी सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है आपके जगह में, तो आप इसको शेड में ही रखें। शेड में मतलब इंडोर नहीं रखना है, बाहर ही रखें एटमॉस्फेयर में, लेकिन शेड में रखें। बस आप इसको आप देखिए कितने अच्छे से सारे के सारे प्लांट में मेरे जड़ पकड़ लिए हैं, छोटे हैं अभी, अब देखिए बड़े होंगे और मैं आपको विंटर टाइम में या थोड़े और जब खिल जाएं तो मैं फिर एक वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।